कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक छोटा सा लड़का होता है, वो बड़े ही सुंदर तरीके से पियानो बजा रहा होता है। इसे सुन के सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, स्पेशली एक लड़की। थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़का होता है वो कुछ सुनते सुनते म्यूजिक नोट बना रहा होता है, और वो उस जगह पे होता है, उस जगह का नाम होता है सुमिटानी जूनियर हाई स्कूल। उसी जगह पे कुछ लड़कियां होती है, वो बेसबॉल खेल रही होती है। तभी एक शॉट के कारण बॉल होती है वो अचानक से कहीं दूर पहुंच जाती है। टीम में से एक लड़की जिसका नाम होता है सुबह की सभा के, वो बॉल लेने के लिए उस रूम के अंदर जाने लगती जाती है, तो उसे ये देखने को मिलता है कि खून में लथपथ कोई नीचे पड़ा होता है। पर उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं है, वो बॉल चुरा के वहाँ से भागने लगती है। तभी अचानक से जिस बंदे को वो बॉल लगी होती है वो उठ के बोलता है, क्या है यार तुमने फिर से ये कर दिया। ये लड़का हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है कोसे आरिमा। आरिमा बोलता है कि तुम हर बार मेरे ही विंडो को क्यों तकती हो। वेल सीधी सी बात है कि कोसे उन खिड़कियों को ठीक करवाते करवाते खुद ही ठीक हो चुका है। तो वो लड़की या कहें तो सुबह की बोलने लगती है कि तुम पूरे दिन इस क्लास में करते ही क्या रहते हो। और ऐसी ही थोड़ी बहस के बाद अब सुबह की होती है वो उस रूम को साफ करवाने में हमारे कोसे की मदद करती है। पर कोसे होता है वो गलती से अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए टूटे हुए कांच को उठाने की कोशिश कर बैठता है। अब जिसे तुरंत ही हमारी सुबह की रोक लेती है और उसे डांटने लगती है। वो बोलती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें चोट लग सकती है। कोसे बोलता है क्या ही फर्क पड़ता है अगर लग जाएगी तो। इतने में ही एक और बंदा होता है वो उनकी फोटो खींच लेता है और वो बोलता है कि एकदम पति पत्नी लग रहे हो। इस लड़के का नाम रेओटा वतारी होता है जो कि उनसे ये सब बोल देता है। उसके बाद वो दोनों बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। देन वो लोग साफ सफाई करने के बाद अपने स्कूल से घर जाने लगते हैं, खेल कूद की बातें करते हैं, काफी ज्यादा बकचोदियां करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो लोग अपने घर को पहुंचने वाले होते हैं, इतने में रेओटा को एक लड़की का कॉल आ जाता है और वो वहां से खुश होकर चला जाता है। सुबह की होती है वो कोसे से बोलती है कि इसका क्या मतलब है। कोसे बोलता है कि वो तीसरे नंबर की है, समझा भैया छोरी बटाने में एक्सपर्ट है। सुबह की भी बोलती है कि आखिरकार ऐसे भयंकर लड़के को मिल कैसे जाती है लड़की। तो कोसे बोलता है कि मुझे नहीं पता, बट हो सकता है लोगों को उसमें इंटरेस्ट हो। देन अब वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पे सुबह की होती है वो उससे पूछती है क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है, या फिर तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि तुमने किसी को देखा तुम्हारी आंखें चमक गई, तुम्हारे आसपास का वातावरण खिल गया। कोसे होता है वो सुबह की से बोलने लगता है कि मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं और शायद मुझे नहीं लगता कि किसी और को भी मुझ में होगा। सुबह की उसे समझाने लगती है कि प्यार एक ऐसी चीज है जो दुनिया को बहुत ज्यादा रंगीन बना देती है। कोसे बोलता है कि सुबह की शायद तुम्हारी आंखों से देखे दुनिया तो शायद रंगीन हो, पर मेरे जैसे लोगों के लिए ये दुनिया रंगीन ना ही हो तो बढ़िया है। इसके बाद सुबह की का मुंह बंद हो जाता है। थोड़े दूर चलने के बाद सुबह की बोलती है कि तुम्हारे पिताजी कब आएंगे वर्क टूर से। कोसे बोलता है कि शायद एक महीना या फिर दो महीने। ऐसे उसके पिताजी हर बार है वो बिजनेस टूर पे जाते रहते हैं, क्या पता दूसरा खाता खोलने जाते हो, जिस कारण से हमारे कोसे को अकेले रहने की पूरी आदत पड़ गई है। कोसे होता है वो सुबाकी को छोड़ के अपने घर को निकल लेता है। तभी सुबाकी को एक कॉल आता है जहाँ पे कोई बोलता है क्या तुमने उसको बता दिया। सुबाकी बोलते कि नहीं मैं आज भूल गई, शायद मैं कल कर दूंगी। तब हमें कोसे को दिखाया जाता है उसके घर के अंदर जहाँ वो देख रहा होता है कि उसका कमरा जो कि एक पियानो वाला होता है वो पूरी तरीके से मिट्टी में लदा हुआ होता है। वो अपनी मॉम को ग्रीट करता है जिनका स्वर्गवास हो चुका होता है। अब अगला सीन अगले दिन का होता है जहाँ पे कोसे होता है वो क्लास अटेंड कर रहा होता है और यहाँ पे सुबाकी की उसी बात को सोच रहा होता है कि जब किसी को सच्चा प्यार होता है तो दुनिया रंगीन हो जाती है, पर शायद मेरे लिए ऐसा नहीं होता क्योंकि जब भी मैं आसपास देखता हूँ सब कुछ ऐसा लगता है कि ब्लैक एंड व्हाइट है। मैं कोसे के पार्श्व को दिखाया जाता है जहाँ पे वो पियानो बजाते बजाते रो पड़ता है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये लड़का रो क्यों रहा है। उस मोमेंट पे सुबह की भी वहाँ मौजूद थी और उसकी इस हालत को देख रही थी। कोसे होता है वो हर वक्त अपने नोट्स ही है वो लिखता रहता है, मतलब वो म्यूजिक नोट, जो सुबह की को पसंद नहीं होता क्योंकि एक इंसान को थोड़ा टाइम अपने दोस्तों के साथ भी स्पेंड करना चाहिए, इसलिए वो सीधा उसके सिर पे बॉल फेंक देती है। देन कोसे डर जाता है उससे, वो बोलने लगते है ये क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि तुम्हें ऐसे अकेले नहीं बैठना चाहिए, हमारे साथ खेलना चाहिए, तो चलो। अब थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद यहाँ पे सुबह की होती है वो कोसे से बोलने लगती है क्या शनिवार के दिन तुम फ्री हो, ना भी हो तो बता दो कर लूंगी फ्री और उसके बाद हमें चलना है घूमने। सुबह की बोलने लगती है कि उसकी क्लास की एक लड़की है जो वतारी से मिलना चाहती है, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। देखो हर बार म्यूजिक में
भाई अपने फोन में गुम रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है या फिर बेकार होता है, तो चलो मेरे साथ। अब वो लोग थोड़ी बहुत है वो बहस करता है गानों के ऊपर, कमर्शियल म्यूजिक के ऊपर और ऐसी ही चीजों के ऊपर। आतो ही बातों में वतारी बताती है कि कोसे से तब ज्यादा पसंद था जब वो एकदम ध्यान लगा के पियानो बजाया करता था। उसे ये बताता है कि जब वो बहुत छोटा था तब से उसकी मॉम होती उसे पियानो सिखाती थी। वो कहा जाए तो एक पियानो एक्सपर्ट थी बट उसी के साथ वो विकलांग हो गई थी या उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो कोसे को हर तरीके से फोर्स करती थी कि वो कैसे भी करके पियानो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से बताए। फिर समय के साथ उसकी मॉम है वो ऊपर पहुंच गई और जो एक वजह थी उसके पास पियानो बजाने की उसकी मॉम वो अब नहीं रही तो वो पियानो बजाना भी छोड़ चुका था। अब अगले शनिवार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोसे वेट कर रहा होता है उन लोगों के आने का यानी वतारी और सुबाकी का। तभी उसे एक बहुत ज्यादा सुंदर सी फ्लूट की आवाज सुनाई दे जाती है। बाल को फॉलो करते करते चला जाता है सामने की ओर जहाँ पे एक सुंदर सी बला होती है वो बजा रही होती है जिससे हमारे कोसे को फुका हुआ प्यार हो जाता है उससे। वो लड़की भी होती है वो पियानो बजाते बजाते रो भी पड़ती है। फिर अब जो बच्ची है उसका ये म्यूजिक सुन रहे होते हैं वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसके लिए एक और गाना गाए और उनके साथ मिलके गाए, जिसके साथ वो लोग होते हैं वो गाना बजाना शुरू कर देते हैं। और दूर से कोसे होता है वो उस चीज को एंजॉय कर रहा होता है और अचानक से अपना फोन निकाल के उस चीज को है वो नोटिस करने के लिए फोटो खींचने लगता है। तभी अचानक से हवा का बहुत तेजी से एक झोंका चलता है और वहाँ पे एक यह लड़की होती स्कर्ट ऊंची हो जाती और सामने कोसे फोटो खींच रहा होता है। तो वो लड़की बिना कुछ सोचे समझे कोसे को पेलने के लिए आगे बढ़ जाती है। जब वो कोसे को बड़े ध्यान से मार ही रही होती है तभी वो ये भी नोटिस करती है कि कोसे के पास उसका कुछ पर्सनल सामान है, पर लड़कियां कहां किसी की सुनती है। अब हमें दिखाया जाता है कि यहां पे हमारी जो सुबाकी और वतारी होते हैं वहां पे आ जाते हैं। सुबाकी को वहां पे देख के वो लड़की बोलते है कि फाइनली तुम लोग आ ही गए। कावरी होती है वो बताने लगती है कि इस लड़की का नाम है मिया जोनो कावरी। देन वो कावरी को हमारे प्यारे वतारी से इंट्रोड्यूस करवा देती है और वो दोनों काफी गुटुरगु करने लगते हैं। तभी सुबाकी होती है वो उसे इंट्रोड्यूस करवाती है कोसे से। तो कावरी होती है उसके पास जाके बोलती है कि सॉरी सॉरी मेरे बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर देना। तभी स्कैरी सा लुक देके बोलती है और साथ में उस फोटो को डिलीट भी कर देना। फिर जैसे यहाँ पे वतारी उस लड़की को देख के खो ही गया हो ऐसे वो उसे ताड़े ही जा रहा होता है। तभी सुबाकी होती है वो कोसे से बोलती है कि वैसे तो तुम बहुत शरीफ बनते हो, आज तो तुम प्ले बॉय बन गए। तभी यहाँ पे वो बोले लगती है सुबाकी कि ये लड़की होती है वो तुम्हारी तरह एक म्यूजिशियन है। कावरी भी सामने से बोल देती है कि वो एक वायलिनिस्ट है। बात जान के तो यहाँ पे वतारी काफी ज्यादा बड़ी ओवर एक्टिंग कर बैठता है और मजे की बात तो ये है कि आज कावरी का शो भी है। सुबाकी हमारे कोसे को बोलती है कि चलो तुम भी चलो इस कॉन्सर्ट पर। कोसे अपनी पास्ट मेमोरीज के कारण अंदर नहीं जाना चाह रहा होता है। तभी कावरी उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है तुम अंदर चलो ना। जैसे एक डूबते को तिनके का सहारा होता है वैसे ही कोसे को अभी किसी की जरूरत है जो उसे सहारा दे सके। अब कावरी उन लोगों को लेके अंदर जाने लगती है जहाँ पे आज उसका कॉम्पिटिशन होता है। हॉल का नाम होता है टोवा हॉल। जैसे ही वो लोग अंदर पहुँचते हैं उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है वो आए होते हैं। देन कावरी होती है वो यहाँ से चली जाती है क्योंकि थोड़ी देर बाद उसका भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन होने वाला। देन वो लोग होते हैं वो ऑडिटोरियम के अंदर होते हैं वो जाने लगते हैं बट कोसे को उस चीज से थोड़ा डर लग रहा होता है। उसे यहाँ पे अपनी मॉम की याद आ रही होती है बट फिर भी अपने पैर को काबू न रख पाने के कारण वो अंदर निकल ही लेता है। वैसे ये जगह पूरी तरीके से खाली होती है। वो लोग होते हैं वो सीट ढूंढ के वहाँ पे बैठने लगते हैं। इतने में सभी लोग यहाँ पे कोसे को पहचान लेते हैं क्योंकि कोसे कोई कच्ची खेत की गाजर तो है नहीं, मतलब समझ लो भाई पॉपुलर लौंडा है। कोसे होता है वो सुबाकी को डांट रहा होता है बट उसके बाद वो चुप हो जाता है और सभी लोग होते हैं वो फोकस करते हैं कॉम्पिटिशन पे। लोग धीरे धीरे करके आते हैं, लोगों को बोर करते हैं फिर चले जाते हैं। कोसे बोलता है इससे बढ़िया तो मैं ही चला जाता, मजाक कर रहा हूँ ऐसे नहीं बोल रहा। और इसे करते करते बहुत ज्यादा वक्त होता है वो बीत जाता है। उसे होता है वहाँ पे एक बंदा होता है परफॉर्म कर रहा होता है उसकी गलती नोटिस कर लेता है क्योंकि वो बंदा वहाँ पे रुक गया होता है, उसे आगे का स्टेप पता नहीं था। कोसे बोलता है ये बहुत आसान है तुम ये कर सकते हो बट फिर भी वो ये सीन आगे छोड़ देता है। जजेस ये सोचते है कि इस बंदे ने एक साथ तीन तीन गलतियां की इस कारण से इसे थोड़े कम पॉइंट देने ही पड़ेंगे। और बाकी जजेस भी होते हैं वो पूरी तरीके से बोर ही हो चुके होते हैं। इतने में ही हमारी प्यारी लौंडिया आई मीन टू से हमारी प्यारी कावरी की बारी आ जाती है। इसे देख के सभी लोग होते हैं उसे चीयर करने लगते हैं कि शाबाश आ जाओ। ते ही एक स्पीच देती है, उसके बाद वो अपना वायलिन बजाना शुरू कर देती है। स्पेशली वतारी को ये चीज काफी पसंद आ रही होती है क्योंकि वो छिनार है और जजेस बोर हो रहे होते हैं कि ये फिर से पकाओ बंदी आ गई। पर जैसे ही कावरी अपना असली रंग दिखाती है सारे हिल के रह जाते हैं। वायलिन को अपने सिर के हिसाब से घुमा रही होती है। सब लोग अब इंटरेस्टेड हो चुके होते हैं कि ये लड़की आगे क्या करने वाली है। बस डर तो इस बात का होता है कि कावरी की स्पीड और उसके पियानो बजाने वाले की स्पीड मैच नहीं हो पा रही होती है। जज
कोई खास इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि वो कावरी को है वो आगे भेजे, क्योंकि जजेस को भी ये पता था कि भले ही कावरी केपेबल क्यों ना हो बट उसके साथ जो कंपोजर जो पियानो बजाने वाला है वो ठीक नहीं है। और कोसे को भी ये लग रहा होता है कि चाहे कावरी कितने भी मेहनत कर ले वो अकेले इस कॉम्पिटिशन में आगे नहीं बढ़ सकती। और कोसे ये भी सोचता है कि जब वो कावरी से पहली बार मिला तब वो उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था, जैसे उसका एक्सप्रेशन कुछ अजीब ही थे, पर आज उसके इस गाने ने इस मधुर ध्वनि ने उसको मनमोहित कर लिया। पहली बार ऑडियंस ने किसी के लिए ताली बजाई होती ऐसा लग रहा होता है, और पहली बार ही जज ये सोचने पे मजबूर हो गए होते हैं कि आखिरकार हमें इस लड़की को कितने पॉइंट देने चाहिए, क्योंकि इसने जो बजाया है वो एकदम नेक्स्ट लेवल का है बट इसने जो कंपोजर लिया है वो मैं नहीं बोल सकता, ऐसी चीज है। दूसरे कुछ जजेस को तो ऐसा गुस्सा आ रहा होता है कि बयान के दिन ये आगे कैसे बढ़ रहे हैं। कोसे और सुबह की बातें करने लगते हैं कि कई लोग होते हैं उसके बारे में अच्छी बातें कर रहे होते हैं कावरी के बारे में, और कई लोग काफी ज्यादा बुरी कर रहे होते हैं, और जो जजेस होते हैं वो थोड़ा बहुत सोचने के बाद कावरी को कैंसिल कर देते हैं। बाकी पूछती है हमारे कोसे से तो आखिरकार वो उसे सिलेक्ट करेंगे कि नहीं, कोसे मना करता है। तो यहाँ पे सुबह की बोलते है कि ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने तो काफी ज्यादा बढ़िया मतलब एकदम अच्छे से बजाया है तो उसे मना करने की क्या वजह है। कोसे बोलता है उसका कंपोजर है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कावरी यहाँ पे किसी तरीके के कंपटीशन में आई थी, वो बजाते हुए खुद काफी खुश थी, और एक मतलब जो भी बंदा होता है परफॉर्म करने वाला उसके लिए इतनी ही बड़ी बात होनी चाहिए। देन कंपटीशन के बाद हमारे जो तीन नमूने होते हैं वो बाहर खड़े होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, वही कुछ बच्चियां होती है वो कावरी की उस परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं उनकी, और ये भी बोल रहे होते हैं कि हमें काफी बुरा लगा कि आप ये मैच हार गईं। अभी कावरी बोलती है मुझे कोई ऐसे खास फर्क नहीं पड़ता कि ये जीत या हार क्या हो। कोसे जैसे ये बात सुनता है वो मौन रह जाता, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे एक बात बोला होता है, अगर तुम हारते हो तो घर पे दोबारा मत आ, और ये मजाक नहीं था, वो सच में ऐसा कर भी सकती थी। जब कावरी होती है वो सभी को छोड़ के हमारे लौंडो की ओर है वो बढ़ जाती है, सभी लोग यहाँ पे कावरी को भागते हुए देख रहे होते हैं। वेल थोड़ी ही मिनट पहले की बात है जब यहाँ पे सुबाकी ने कहा था कि जब आप सच में किसी से प्यार करते हो तो दुनिया रंगीन लगने लगती है, वैसा ही यहाँ पे कोसे के साथ होता है। जहाँ पे पहले उसकी दुनिया पूरी ब्लैक एंड व्हाइट थी आज उसे कलर दिखाई दिया जो कि थी कावरी। वैसे उसकी ओर बढ़े उससे पहले वतारी होता है, वो उसके आगे निकल जाता है और कावरी से मिल पड़ता है। कावरी होती है वो वतारी से बात करने के बाद हमारे कोसे के पास जाती है और बोलती है आखिरकार मेरी परफॉर्मेंस तुम लोगों को कैसी लगी। कोसे बोलता है कि एकदम अच्छी थी मतलब बढ़िया थी, कावरी इससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। तभी कोसे थोड़ा सोचता है वो बोलता है आज तक मैं जब भी पियानो बजा के बाहर आया किसी ने मुझे फूल देके कभी भी सम्मानित नहीं किया, पर जैसे ही आज तुम बाहर आई उन लड़कियों ने उन प्यारी बच्चियों ने तुम्हें फूल दिए, शायद तुम उन्हें इम्प्रेस करने में सक्सेसफुल हो गई। एक आर्टिस्ट को इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है, अगर तुम किसी को एंटरटेन करना चाहती थी और ना ही किसी ट्रॉफी या किसी कंपटीशन में पड़ी तो दैट्स योर अचीवमेंट, तुम वो पा चुकी हो जो तुम्हें चाहिए। और एकदम सेटिस्फाइंग मोटिवेशनल स्पीच देके हमारा लौंडा होता है वो वही खड़ा रह जाता और कावरी वहां से चली जाती है। मैं बोर दिखाया जाता है जहां पे नेक्स्ट राउंड में जाने वाले जो भी होते कॉम्पिटिटर उनके नाम लिखे होते हैं। वैसे जजेस ने तो कावरी को रिजेक्ट कर दिया होता है बट ऑडियंस को उसकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया लगी होती है कि सभी ने बोला था ये हमें नेक्स्ट राउंड में चाहिए, वरना कंपटीशन बंद कर दो भैया हम नहीं आ रहे। ये सीन तो यही पे खत्म हो जाता है। हमें फिर से कोसे को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम के अंदर बैठ के सपने देख रहा होता है, किसके, कावरी भाभी के। वो कावरी को याद नहीं करना चाह रहा था बट मजबूरी में उसे याद कर रहा होता है जिस कारण से वो उठ जाता है। वतारी उससे काफी डर जाता है क्योंकि वो अचानक से उठा होता है। वतारी बोलता है अबे बैठ के दिन कर क्या रहा भाई, क्या डरा के आर्ट फेल कर दिया क्या मारा, और वैसे भी नर्स था स्कूल में या ये तो मैं तो टपक ही जाता हूँ। बाय द वे ब्रो तेरे को चोट कहाँ से लगी। उसे बोलता है कि मैं वॉलीबॉल खेल रहा था और मेरा सिर फूट गया, सॉरी बास्केटबॉल। देन वो लोग बैठ के वहाँ पे बातें करने लगते हैं। वतारी होता है वो बोलने लगता है कि तुम्हें यार अब रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए और बेस्ट चॉइस तो सुबह की है तुम्हारे पास, वो शायद तुम्हें पसंद भी करती है। वो उसे थोड़ा सोचता है उसके बाद वो अपनी आंखें बंद करके बोलता है ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद करती है, वो सिर्फ मेरी चिंता करती है, वो मेरी पड़ोसी है मेरी अच्छी दोस्त है, पर उसकी चॉइस और कोई नहीं वतारी तुम हो, शायद वो तुम्हें पसंद करती। कोसे तो ये भी बोलता है कि तुम तो लड़कियां पटाने में एक्सपर्ट हो, तुमसे तो ये आराम से हो जाएगा, पर शायद मेरे लिए ये दो चार जन्मों की बात। यहाँ पे हमारे लव गुरु वतारी जी होते हैं वो हमारे लौंडे को कुछ लव एडवाइस दे, इतने में ही हमारी प्यारी सुबह की वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है बैठ के दिन तूने इसे फिर रुलाया, अब पिटना चाहता है कि ये बकचोदी भी एक जगह पे आके खत्म हो जाती है और हमारा लौंडा होता है वो अपने घर को निकल जाता है। पर कोसे अभी तक यही सोच रहा होता है कि जब भी मैं आसमान में देखता हूँ आंखें बंद करता हूँ तो ख्याल
ख्याल सिर्फ काहोरी का ही आ रहा है, क्या करूँ यार, प्यार होती ही कुत्ती चीज। वो ये भी बोलता है कि जब भी मैं उससे मिलता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मॉम मुझे डांट रही हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अब मैं उससे दोबारा मिलूँ, बट तुम्हारे ओटाकू भैया तो चाहते है ना मिले, तो मिलना पड़ेगा। और वैसा ही होता है, उसे उसकी आंखों के सामने दिख जाती है हमारी प्यारी काहोरी। वो बोलता है कि इस एहसास को आखिरकार इंसान कहते क्या है, समझ ही नहीं आता। बोलती है, फ्रेंड है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पर वो यहाँ पे कुछ बोलता नहीं है, बल्कि सिर्फ उसे घूरने लगता है बहुत ज्यादा अजीब तरीके से। और काहोरी को लगता है वो फिर से उसे ताड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसे थोड़ा डांटती है। देन वो बोलती है कि हमारे लौंडे का है। वो उसे बोलता है कि शायद वो लोग अभी भी अपनी प्रैक्टिस के दौरान बीच में होंगे, तो मुझे नहीं पता। वो उसे उसके जो कंपोजर या फिर कहे जो भी उसका पियानो वाला बंदा होता है उसके बारे में भी बोलता है कि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ऑटो करेक्ट कि वो तुम्हारी परफॉर्मेंस के लिए ठीक नहीं है। काहोरी बोलती है कि अगर मैं उसे निकालूंगी तो शायद वो मुझ पे गुस्सा हो जाएगा, रिप्लेस करूंगी शायद थोड़ा वैसा हो जाएगा, तो इसके लिए वो उसे सब्स्टिट्यूट बनाने की बात कर देते, यानी हमारे प्यारे कोसे को।